एक ओर जहां इन दिनों राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हर तरफ धुआं धुआं हो रखा है, ऐसे में दीपावली पर प्रदूषण का स्तर बढ़ते हुए देखकर पहले ही इससे रोकने के लिए एनजीटी और दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। वहीं दिल्ली के युवा इस साल प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही वह गरीब बच्चों के बीच जाकर उन्हें मिठाइयां और कपड़े भी भेंट करेंगे, जिससे उनकी दीपावली इस साल खुशियां वाली बनेगी। युवाओं का कहना है कि वह हर साल दीपावली के मौके पर पटाखे जलाते थे, जिससे प्रदूषण बढ़ता था, लेकिन इस साल उन्होंने पटाखे नहीं जलाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, ऐसे में इस साल दिन में दूसरों की मदद करेंगे, उसके साथ ही शाम को घर में को सजाएंगे। इसके लिए रंगोली और वॉल पेंटिंग बनाने की भी योजना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है, उसको देखते हुए अब युवाओं ने पहल की है। इससे पहले सरकार ने भी लगातार अपील कर रही थी कि वो इस बार दीपावली में पटाखे नहीं जलाएं। इसी के साथ में दिल्ली के युवाओं ने एक नई पहल किया। उन्होंने पटाखे ना जलाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। अब युवा दिल्ली में पटाखे नहीं जलाने के निर्णय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार की दीपावली को बिना पटाखे वाली दीपावली मनाया जाए, और इसी के साथ में जो भी गरीब लोग हैं उन सभी के घरों को भी वो सजाएंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे, साथ ही उनके बच्चों को भी मिठाइयाँ और कपड़े बांटेंगे। दिल्ली के युवाओं ने ये एक नई पहल की है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे दिल्ली में लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।